देश में अमन चैन हिंदू राष्ट्र की कामनाओं को लेकर मुंबई से नारायण लाल दर्जी निकले चारभुजा साइकिल यात्रा पर। मुंबई से चारभुजा की 9वीं साइकिल यात्रा पर निकले। मुंबई से चारभुजा राजस्थान के कृष्ण धाम के लिए ठाकुर जी के भक्त नारायण लाल दर्जी बुधवार 28 अगस्त 2024 को सुबह 8 बजे कांदिवली पश्चिम से देश में अमन चैन हिंदुओं को एकता के साथ ही हिंदू राष्ट्र की कामनाओं के लिए चारभुजा नाथ जी तक साइकिल यात्रा पर निकली, जो 9 बजे बोरीवली नेशनल पार्क ओंकारेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां राजस्थान मेवाड़ प्रवासी संघ अध्यक्ष रमेश पुरोहित, महामंत्री मुकेश पामेचा, कृपा शंकर दवे, देवीलाल पुरोहित, दिलीप कुमार चौहान, परमेश्वर बड़गुजर, कैलाश सोलंकी, युवा सेना अध्यक्ष दिनेश बड़गुजर, हर्ष राठौर, लोकेश राठौर, चारभुजा पुरुषोत्तम दवे, जगदीश दवे सहित मेवाड़ प्रवासियों ने नारायण भाई को माला व उपर्ण ओढ़ाकर सम्मानित किया और यात्रा सफल रहे उसकी शुभकामनाएं दी। यात्रा 1000 किलोमीटर की है और यह 14 दिन लगेंगे। जल जुलनी एकादशी पर चारभुजानाथ मंदिर गढ़बोर पहुंच दर्शन कर घर जाएंगे। रास्ते में किसी के घर नहीं रुकेंगे और मुंबई से चारभुजा तक प्रवासी मेवाड़ वासी जगह जगह सत्कार करेंगे और रास्ते भर आने वाले मठ मंदिरों के दर्शन करते जाएंगे, जिसमें दहाड़ू महालक्ष्मी, पावागढ़ कालका माता, दाहोड़ गोदरा रणछोर राय जी कृष्ण मंदिर और श्यामला जी मंदिर, केसरिया जी, ऋषभ देव भगवान उदयपुर, जगदीश भगवान मंदिर इडाना, मातेश्वरी सावरिया जी मंदिर, शनि महाराज, कैलाशपुरी एकलिंग जी, नाथ जी, श्रीनाथ जी, द्वारकाधीश जी दर्शन करते चारभुजा नाथ के धाम गढ़पुर जलजुली तक पहुँचेंगे। 9वें वर्ष की यात्रा पर निकले हैं नारायण लाल टेलर, जिनको 10 दिन का समय लग सकता है। इनको मुंबई से मेवाड़ वासी यात्रा को भगवा झंडी दिखाकर यात्रा शुरू करें। बोरीवली प्रवासी यात्रा को भगवा झंडी दिखा यात्रा को रवाना किया। जिस साइकिल से यात्रा कर रहे हैं उसमें मंदिर बनाकर लगाया और करीबन 60 किलो वजनी उसके साथ हवा भरने वाले पंप, कपड़े, फर्स्ट एड, ये सभी सामान यात्रा के दौरान साथ रहेंगे। इतनी श्रद्धा से ठाकुर जी की यात्रा पर जा रहे हैं और साथ अपनी साइकिल पर मंदिर और उसमें ठाकुर जी को समर्पित मंदिर है कि ठाकुर जी का भक्त जिसने मुंबई से चारभुजा नाथ की यात्रा पर निकले। मैं पायल दवे, कृपा शंकर दवे की रिपोर्ट, राजस्थान टीवी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उसके बाद वाया मावली उदयपुर के आगे अपने एकलिंग नाथ दरबार में कैलाशपुरी का मंदिर में जाऊंगा, उसके बाद नाथद्वारा श्रीनाथ जी, उसके बाद काकरोली द्वारकाधीश और फरारा महादेव, उसके बाद सीधा गोमती होते हुए लास्ट चारभुजा जाऊंगा। तो ये आपको कितना दिन का प्रवास रहेगा? ये 13 दिन का प्रवास है। रास्ते में किस तरह से आपका खाने पीने और रहने की व्यवस्था का क्या है? आप पारिवारिक और सामाजिक दोस्तों की वजह से आज तक तो मेरे को शायद कोई तकलीफ नहीं पड़ी और शायद आगे भी मेरा ख्याल है आगे कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। मान लो अगर कभी ऐसा कुछ हुआ तो खुद के खर्चे से भी जाता हूँ। तो ये आप जिस तरह से ये साइकिल को सजाया है और मंदिर वगैरह जो ठाकुर जी को बिठाया है, तो क्या इसमें कितना खर्च आया लगभग? अब खर्चा तो ये बताया नहीं जाता है, ये अपनी भावना और सब खुद के ऊपर है, बाकी हो जाता है। पूरा खर्चा अगर संभालने जाओ तो 1 लाख के लगभग जाता है, लेकिन ये खर्चा बताया नहीं जाता है। ये मंदिर वापस क्या करेंगे आप? जैसे ये जा रहे हैं आप लेके, आज तक साइकिल तो लोगों को दे दी, मान लो थोड़ा आधा पैसा लेके मंदिर आज भी संभाल के रखे हुए है सब, जो पुराने जितने भी मंदिर है। आज आपके जो विदा यहाँ से आपको यात्रा को हरिजन में देने के लिए जितने पधारे हैं मेहमान, सब परिवार क्या कहना चाहेंगे? परिवार जन के लिए मैं सबको यही कहूँगा कि मेरी यात्रा सफल हो, उसके लिए प्रभु से कामना करें और आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ बना रहे, और समाज के लिए जो बीड़ा उठाया वो पूरा करें हम सब मिलके, यही मेरी मन की इच्छा है। ये राजस्थान मेवाड़ प्रवासी संघ के अध्यक्ष रमेश भाई, आप क्या कहना चाहते हैं? ये 2007 से जब यात्रा शुरू हुई थी वो आज भी ये जारी है। आपका स्वागत है, आए हुए सभी समाज के गणमान्य व्यक्तियों को दिल की गहराई से स्वागत, सम्मान और अभिनंदन। 2007 से यात्रा शुरू हुई और ये लगभग 25-30 जनों का ग्रुप था और कोरोना काल की वजह से बीच में हमने इसको बंद कर दिया। फिर भगवान की ये लहर हुई और फिर भगवान की इच्छा हुई है तो आज ये नारायण भाई सर जी हमारे बीच हैं। इन्होंने इस बात की शुरुआत की है, देश में अमन और चैन लाने के लिए ये यात्रा शुरू की है और मोदी जी के नेतृत्व में देश हमारा नित्य नया आराम छू रहा है और
प्रभु चार भुजानाथ और भोलेनाथ के आशीर्वाद से न सिर्फ हमारा देश नित्य आयाम छू रहा है, निरंतर विश्व गुरु के पटल की ओर बढ़ रहा है। तो आपका जो संगठन है राजस्थान व्यवहार प्रवासी संघ, जिसने शुरुआत की थी साइकिल यात्रा की, उसमें कोई दो तीन जो है भक्त भी आए हैं, वो भी पहले ये पुष्कर जी है, बंशीलाल जी है, बाबूलाल जी है, श्रीमान हमारे महे मुकेश जी पामेजा हमारे हमाशा बोले जाते हैं, हमारे मेवाड़ की शान है, इन्होंने इसकी इनका पूरा सहयोग रहता है और आज भी वो तैयार है। अभी जिस तरह से मुकेश भाई जिन्होंने यात्रा शुरू हुई थी 2007 से और आज दिन तक अनवरत ये यात्रा जारी है और एकमात्र अभी हमारे ले गए हैं नारायण भाई जो अभी यात्रा पर निकल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे राजस्थान मेवाड़ प्रवासी संघ की ओर से और इनको रास्ते में कोई तकलीफ ना पड़े और अपना जो सहयोग है राजस्थानी भाइयों का कैसा रहेगा? नारायण जी लगभग 10 सालों से यहाँ मैं देख रहा हूँ करते हैं, उनकी यात्रा सफल हो हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे चार भुजानाथ से, और उनको कहीं विघन न आए और इंडिया और आगे से आगे यात्रा करते और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े, हम यही भावना करते हैं और हमारी तरफ से जो भी हम मदद होगी हम पूरी करेंगे। ये थे मुकेश भाई पामेचा जिन्होंने राजस्थान मेवाड़ प्रवासी संघ का जो मंत्री है और इनके साथ ही राजस्थान मेवाड़ प्रवासी संघ के अध्यक्ष रमेश भाई, उन्होंने भी अपने दो शब्द कहे। समाज के गणमान्य लोगों का लोगों द्वारा इनकी विदाई हो रही है और मीरा भाईंदर से यहाँ की नगर सेविका, वहाँ की विधायक, वहाँ के नगर सेवक सभी इनका सम्मान करेंगे, पूरे गुजरात में RSS विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये सभी इनका सम्मान करेंगे, राजस्थान में हमारे उदयपुर में गुलाब जी कटारिया इनका सम्मान करेंगे, नाथद्वारा में दीप्ति जयेश्वरी सम्मान करेगी और जब यहाँ से यात्रा करके चार भुजा लौटेंगे दर्शन करेंगे इनकी थकान पूरी हो जाएगी और हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी इनका सम्मान करेंगे। धन्यवाद। अब एक जयकारा भी आप लगा दो जिस तरह से चार भुजा। मैं राजस्थान टीवी से कृपाशंकर दवे, मुंबई, बोरीवली।